फिल्म शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपने फोन को रोटेट करके इसे फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिएगा। धन्यवाद। भारतवर्ष, जिसे प्राचीन काल में आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, के उत्तरी भाग में गंगा यमुना के दोआब के बीच सहारनपुर नाम का एक शहर बसा हुआ है। शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित इस नगर का नाम सूफी संत सहारन चिश्ती जी के नाम पर रखा गया, लेकिन इस नगर को स्थापित करने का श्रेय महाराज सहारन वीर जी को जाता है। महाराज सहारन वीर जी को एक संयुक्त शासक माना जाता था और इनका राज दरबार कई योग्य एवं कार्यकुशल मंत्रियों से आलोकित था, लेकिन मंत्री धर्मपाल जी सर्वाधिक योग्य एवं प्रतिभावान मंत्री थे। महाराज इनकी प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित थे। मंत्री जी कितनी कुशलता से राज दरबार के प्रशासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वर्डन मंत्री जी, वर्डन, कीप इट अप। अपनी बुद्धिमता एवं दूरदर्शिता के बल पर एक बार मंत्री जी महाराज के समक्ष एक भविष्यवाणी करते हैं, जिसके अनुसार आज से लगभग 400 वर्ष बाद एक कोरोना महामारी फैलेगी, जिसमें सभी गुरुजन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एवं मिशन प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गांव-गांव मोहल्ला कक्षाएं चलाएंगे। इस तरह राज दरबार में मंत्री धर्मपाल जी की बढ़ती प्रतिष्ठा कुछ मंत्रियों में ईर्ष्या का कारण बनने लगी। और ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप एक बार सभाकार में कुछ मंत्री मिलकर मंत्री धर्मपाल जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचते हैं। योजना अनुसार अगले दिन मंत्री कृपाल सिंह मंत्री धर्मपाल जी के विरुद्ध महाराज के कान भरते हैं। तभी मंत्री जी को बुलाया जाए। मंत्री धर्मपाल जी हाजिर हो। प्रणाम महाराज, आज्ञा दीजिए। मंत्री जी, हम आपकी योग्यता एवं प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित है। हम चाहते हैं कि आपको अमात्य प्रमुख के पद पर नियुक्त किया जाए, परंतु परंतु क्या महाराज? परंतु इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। ठीक है महाराज, मैं हर तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, आज आधी रात को आपको पुराने किले की मीनार पर कैद कर दिया जाएगा और सुबह होने तक आपको वहाँ से नीचे आना होगा। शर्त यह है कि आप वहाँ अपने साथ जीवन रक्षा सामान जैसे रस्सी, सीढ़ी आदि नहीं ले जा पाओगे। अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग किए बिना नीचे आना संभव नहीं। यदि कल सुबह होने तक आप राज दरबार में हाजिर नहीं हो पाते तो क्या महाराज? आपको मृत्युदंड दिया जाएगा।
आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। क्या महाराज, क्या महाराज, क्या महाराज? परीक्षा की चुनौती से निराश और हताश हुए मंत्री धर्मपाल जी दरबार से अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। देवी अमृता बाई को वो बात याद आ जाती है जिसमें उन्होंने सुना था कि बादशाही बाग के समीप शिवालिक पर्वतमाला के घने जंगलों में मधुमालती नामक एक कीट पाया जाता है जिसे शहद खाना बहुत पसंद है। दूर से आती शहद की खुशबू को सुनकर उसे पाने के लिए वह उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। संकट की इस घड़ी में हम देखते हैं कि कैसे देवी अमृता बाई मंत्री जी को पुराने किले पर जाने से पूर्व अपने मूंछों पर शहद का लेप लगाने की सलाह देती है और आधी रात होते ही पुराने किले पर मिलने का वादा कर बिना देरी किए मधुमालती कीट की तलाश में बादशाही बाग की ओर प्रस्थान करती है। आधी रात होने से पहले पहले शिवालिक पर्वतमाला के घने जंगलों में अपने साथियों के संग मधुमालती कीट का पीछा करते करते देवी अमृता बाई उसे पकड़ने का प्रयास करती है और एक वस्त्र का टुकड़ा हाथ में लिए वह उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। और इधर मंत्री जी अपने मूंछों पर शहद का लेप लगाकर किले की ओर प्रस्थान करते हैं। आधी रात के वक्त पुराने किले की ऊंची मीनार पर मंत्री धर्मपाल जी देवी जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तभी एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में मधुमालती कीट को थामे हुए देवी जी का आगमन होता है।
देवी जी मंत्री जी को थोड़ा धैर्य रखने का इशारा करती हैं और वस्त्र के टुकड़े को जमीन पर रख उसमें से मधुमालती कीट को आजाद करती हैं। शहद की खुशबू से आकर्षित हो कीट किले की दीवार पर चढ़ जाता है तथा मंत्री जी की ओर बढ़ने लगता है कि तभी देवी जी तुरंत उसकी टांग पर सूत का पतला धागा बांध देती हैं। कीट के माध्यम से यह धागा मंत्री जी तक पहुंच जाता है। अब देवी जी सूत के धागे को ऊन से, फिर ऊन को रस्सी से और अंत में रस्सी को मोटी रस्सी से बांधकर उसे मंत्री जी तक पहुंचा देती है। ऑनलाइन शॉपिंग बोला कि हमारे घर के आसपास महिलाएं और लड़कियां ऐसी हो सकती हैं जो कि अच्छी सिलाई कर सकती हैं। आप उनको सिलाई का अवसर दीजिए, आप अपने कपड़े खुद डिजाइन कीजिए और अपने मन चाहे कपड़े बनाइए। इससे हम बेरोजगारों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही हमारा देश भी सशक्त बनेगा। नमस्ते, मैं अभिलाषा शर्मा, आज आंटी स्कूल में आई हूँ और आंटी हमारे गुंडों में सबसे ज्यादा काम होता है सूट पर कढ़ाई का काम, और सूट पर कढ़ाई हमारा लोकल काम है। अब तो मेरी जनता से यही गुजारिश है कि वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और अपने देश में बनी चीजों का भी इस्तेमाल अधिक से अधिक करें ताकि हमारा मेहनत कश जो तबका है उसकी मदद हो सके। बुजुर्ग रिक्शा चालक जो कि हाथ रिक्शा खींच कर अपने परिवार का पेट पालते हैं, कृपया इनसे मोल भाव न करें। यदि वो आपसे 10-20 रुपए फालतू भी ले लेते हैं तो यह आपकी ओर से उनके परिवार के लिए एक सहयोग होगा। बी वोकल फॉर नीडी पीपल। देवी जी की सूझबूझ के कारण मंत्री जी पुराने किले की कैद से रिहा हो जाते हैं और बिना देरी किए दोनों उस स्थान से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन राजदरबार में प्रातःकालीन संगति सभा का आयोजन हो रहा होता है। हमें पता था मंत्री जी जरूर आएंगे। प्रणाम महाराज। हमें पता था मंत्री जी आप जरूर आएंगे। कैसे हो मंत्री जी? मंत्री जी का
हालचाल जानने से पश्चात उनके सहकुशल लौट आने की घटना को महाराज विस्तार से सुनते हैं। महाराज द्वारा मंत्री जी की परीक्षा लिया जाना तो महज एक बहाना था, हकीकत में देवी जी की छिपी हुई प्रतिभा को उन्हें बाहर लाना था। अपनी गलती का पश्चाताप होने पर मंत्री कृपाल सिंह मंत्री धर्मपाल जी से क्षमा याचना करते हैं तथा मंत्री जी उन्हें माफ भी कर देते हैं। उधर राज दरबार में देवी जी का आगमन होता है और समस्त राज दरबार जय जयकार से गूंज उठता है। देवी अमृता बाई की जय, 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 देवी अमृता बाई की जय। अंत में महाराज मंत्री जी को नगर का आमात्य प्रमुख नियुक्त करते हैं तथा देव जी को राज दरबार में उच्च पद से आसीन करते हैं। आपको हमारे बच्चों का काम पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।